वास्तव युद्ध में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। बेलगाम जिला अपनी तालुका के नागनूर के एक छोटे से गांव में मौत की जो घंटा लेकर खड़ी है, जो ये पानी की टैंक, टूटा फूटा पानी का टैंक, इतना बड़ा जो मुसीबत लेके खड़ा है इन बच्चों के लिए। यहां तो स्कूल के लिए आते जाते हुए बच्चों को हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। गौर से देखिए, अगर ये किसी बच्चों पर अगर गिर गया तो सोचो अंजाम क्या होगा। अब तो ये पानी के टैंक देखते हुए ही किसी को, अनजान व्यक्ति को भी पता चलता है ये शायद आज या कल गिर जाएगा। फिर क्यों नहीं यहाँ के संबंधित अधिकारी इन टैंक को क्यों नजर नहीं लगा रहे, क्यों इन टैंक को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, ये यानी कि निकाल कर अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे, ये तो सवाल उठता है। और बाजू में ही स्कूल है, उसी बाजू टैंक के बाजू से ही बच्चे आते हैं जाते हैं स्कूल को। उतना ही नहीं, बच्चे तो घर से निकलकर स्कूल को आते हैं मगर वापस जाते हैं या नहीं ये वक्त को ही पता है। मगर इतना बड़ा जो टैंक, जो टूटा फूटा टैंक है, कब किसके ऊपर, किस बच्चों पर गिर जाएगा और ना जाने क्या हादसा खड़ा हो जाएगा, ये टैंक को ही मालूम। अब तो यहाँ पर स्कूल वाले तो इनके परिवार वालों से कहना चाहिए, अपने बच्चों से, ताकि इन टैंक के आसपास से घूमने के लिए मना करना चाहिए। यानी कि बाजू कौन सा भी एक दूसरा रोड है, उन रोड से या तो रास्ते से आ जाना चाहिए। मगर ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे इन छोटे छोटे बच्चे, इन टैंक के नीचे से गुजरते हैं और वहां से स्कूल आते हैं और उधर से ही घर जाते हैं। शायद कितनी जिंदगी और मौत लेकर इन टैंक के नीचे से गुजरते हैं, ना जाने कब किस पर ये टैंक गिर जाएगा और ना जाने कितनी बच्चों की शायद ये बलि ले जाएगी, ये तो पता नहीं। मगर संबंधित अधिकारी कितनी लापरवाही है इन टैंक को देखते ही पता चलता है। अगर अपने बच्चे, अधिकारियों के अपने बच्चे होते तो क्या इन टैंक के नीचे खड़े होने देते या टैंक के आसपास घूमने देते? ऐसा नहीं, अपने अपने बच्चों को तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा जाता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, मगर ये जो बच्चे हैं शायद इस गांव के गरीब बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, इसीलिए कन्नड़ स्कूल में पढ़ते हैं। अब तो ये स्कूल में तो पढ़ते हैं मगर इन टैंक को देखेंगे तो जिंदगी और मौत बच्चों का सवाल उठता है। देखेंगे एक रिपोर्ट में।